हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की डेट में दो वीडियो यहां पर आ चुकी है, एक बार ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड, एक ब्रेकिंग न्यूज। तो दोनों में एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से ब्रेकआउट को यहां पर प्ले करना है, किस तरीके से यहां पर इन ब्रेकिंग न्यूज को प्ले करना है, दोनों को एक बार देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। और इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है सलासार। सलासार आपने यहाँ पर थंबनेल में देख लिया है, काम करती क्या है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। यहाँ पर सलासार का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक सलासार टेक्नो इंजीनियरिंग है, स्टॉक्स का नाम है। ये शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा गिर चुका है, और किस तरीके से हमें यहाँ पर प्ले करना है, क्या लेवल है बाइंग का, कहाँ तक ये टारगेट जा सकता है, उस सभी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आप डेली बेसिस पर देखते रहे। और यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें जितना हो सके सपोर्ट करें, इस वीडियो को और दूसरी वीडियोस को जाके देखिए तो लाइक जरूर करें, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करें, और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कांटेक्ट नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं, और किस तरीके से आपको स्टॉक्स अगर अच्छे मिलते हैं तो आपको लेने चाहिए, वो एक आइडिया मिलेगा और स्टॉक से रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक कुछ दिन पहले एक स्टॉक से रिलेटेड, मुश्किल से आप 10 दिन भी नहीं हुए, यहाँ पर एक बात की गई थी, आपको एक वीडियो बना के दी थी, जिसका नाम है सागर सॉफ्ट। सागर सॉफ्ट की अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर ये स्टॉक्स 170-180 के आसपास यहाँ पर बाइंग किया था। ओके, इस लेवल पर मैंने यहाँ पर 180 के आसपास बाइंग किया था। उसके बाद ये शेयर लगभग 30% टूटा था, 148 तक आ गया था। उसके बाद यहाँ पर एक जो यहाँ पर देखा है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर शेयर को, तो यहाँ पर बाइंग यहाँ पर की गई थी। ओके, इस लेवल पर बाइंग की गई थी, ये समझिए 12 नवंबर को, और यहाँ पर एक महीने के अंदर अंदर इस शेयर ने कितने परसेंट के रिटर्न दे दिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ये बाय ऑन डिप्स करके किसी ने खरीदा होगा, किसी ने अगर यहाँ पर खरीदा है हमारे कहने पर, तो यहाँ पर कमेंट जरूर को व्यक्त करिए कि हाँ, यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को हमने खरीदा और इसके बाद अच्छे खासे गेन 55% के गेन यहाँ पर मिल चुके हैं, और थोड़े गेन और मिल सकते हैं, या फिर चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो इसी तरीके का एक और स्टॉक्स यहाँ पर मिला है। इस तरीके से तो नहीं भागेगा, क्यों? क्योंकि इस स्टॉक्स और उस स्टॉक्स में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये एक मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक है और वो सॉरी स्मॉल कैप स्टॉक है, और ये जो पहला स्टॉक्स था वो पेनी स्टॉक्स था, तो पेनी स्टॉक्स इसी तरीके से भागते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो तो ले लेना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की, तो ये स्टॉक्स अगर यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 376 रुपए से करेक्ट होकर यहाँ पर 232 रुपए पे, लगभग 150 रुपए यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर इस स्टॉक्स को बाइंग करने का एक बेहतरीन यहाँ पर मौका है, क्यों? और मैं ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग कर चुका हूँ, तो ये एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। यहाँ पर अब थोड़ी देर कंसोलिडेट करके चीजें ऊपर निकलती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर जानते हैं इस कंपनी से रिलेटेड और यहाँ पर ये शेयर इतना नीचे क्यों आया है उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, चीजें नीचे आने का क्या मतलब होता है, चीजें नीचे लाई जाती है, क्योंकि कब अगर चीजें यहाँ पर नीचे लाई जाएंगी तभी यहाँ पर खरीदी जाएंगी, ऊपर ही ऊपर भगाते रहेंगे तो ऑपरेटर कहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके और प्रॉफिट बुक कर करके धीरे धीरे चीजों को यहाँ पर लाए, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, हम जैसे जो होते हैं छोटे इन्वेस्टर्स, तो वो यहाँ पर एक बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करते हैं, उसी तरीके से ऑपरेटर रिटेल इन्वेस्टर का शिकार करते हैं और चीजों को यहाँ पर बिकवा देते हैं। डर के मारे काफी लोगों ने यहाँ पर जो ये खरीदा होगा उन्होंने बेच दिया होगा, इस लेवल पर बेचा होगा, इस लेवल पर बेचा होगा, यहाँ पर बेचा होगा, आज तक बेचते आ रहे होंगे। बट यहाँ पर अब मौका अगर कोई प्ले करना चाहता है तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड एकदम फेवरेबल बन जाता है, चीजें यहाँ पर अच्छी खासी बन जाती है, और यहाँ पर अब यहाँ पर शेयर अच्छे खासे तरीके से हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अप्रैल से लेके अभी तक लगभग लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6-7 महीने 8 महीने हो चुके हैं, एक लंबा कंसोलिडेशन फेज भी यहाँ पर हो चुका है, एक एक दायरे में ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है, लगातार एक गिरावट हमें नजर आ रही है। तो सलासार हम अगर बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो आपको पता चलेगा सलासार एक बेहतरीन स्टॉक्स है, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, और यहाँ पर जानेंगे ये शेयर यहाँ पर नीचे क्यों आया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सलासार टेक्नो ने यहाँ पर कुछ दिन पहले एक हमें स्प्लिट दिया था या बोनस दिया था, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 52 वीक हाई देख लीजिए, 372 का है, 105 रुपए का यहाँ पर 10 दिसंबर को था, उसके बाद चीजें ऊपर गई, ऊपर जाके यहाँ पर दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखेंगे 52% की डिलीवरीज आज की डेट में भी उठाई गई है, और यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हैं, और यहाँ पर 13 जुलाई को
जुलाई का 1:1 का बोनस यहाँ पर मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जुलाई का पीरियड है, यहाँ पर बोनस मिलता हुआ दिखाई दिया था और बोनस के बाद चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दी है लगातार। तो यहाँ पर अच्छा कंपनी बोनस भी देती है। कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर आती है, 1.5 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का यहाँ डिविडेंड। यहाँ पर 2019 में 2 बार, 2020 में 1 बार और 2021 में बोनस प्लस में यहाँ पर डिविडेंड। यहाँ पर कंपनी अच्छी खासे तरीके से डिविडेंड एज वेल एज सब चीज बोनस यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर देखेंगे कुछ और चीजें तो यहाँ देखिए 69.7% की डिलीवरीज प्रमोटर्स के पास है। ओके, इतने शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स सकते हैं और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की, तो कंपनी किस में काम करती है। कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ गैल्वेनाइज स्टील स्ट्रक्चरिंग इंक्लूड टेलीकॉम टावर, ट्रांसमिशन लाइन टावर एज वेल एज सोलर पैनल। तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी अलग अलग चीजों में यहाँ पर टेलीकॉम टावर से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। और आपको बताऊं टेलीकॉम टावर बनाने में ये कंपनी काफी यहाँ पर लीडिंग है। ओके, काफी बड़ा मार्केट यहाँ पर इन्होंने कैप्चर कर रखा है और यहाँ पर आपको पता ही जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से ऑपरेटर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, 5G आने वाला है। तो यहाँ पर क्या लगाए जाएंगे, यहाँ पर लगाए जाएंगे टावर्स। और यहाँ पर जब टावर्स लगाए जाएंगे और भी ज्यादा, तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर अच्छी खासी होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी काफी यहाँ पर बेहतरीन है। कंपनी यहाँ पर टेलीकॉम टावर इन ईयर ऑफ 2006 में आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर देखेंगे नाउ ऑफर 360 डिग्री सोल्यूशन ऑफ द आर कस्टमर अक्रॉस कॉन्टिनेंटल एंड इंडस्ट्रियल एज वेल एज वन स्टॉप शॉप ऑफ इंजीनियरिंग में कंपनी काम करती है, डिजाइनिंग प्रोक्योरमेंट एज वेल एज फेब्रिकेशन गैल्वेनाइजेशन ऑफ एंड ईपीसी। मतलब कंपनी एक पैकेज है, पूरा का पूरा एक बेहतरीन कंपनी नजर आती है टेलीकॉम सेक्टर में, पावर सेक्टर में, उसके रिन्यूएबल में एज वेल एज स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन में बनाने में, पोल्स लगाने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी एज वेल एज यहाँ पर बात करें, काफी यहाँ पर अलग अलग सेक्टर का कॉम्बिनेशन इस कंपनी को एक अलग बना देता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो यहाँ पर देखिए वी एम टू प्रोवाइड, यहाँ पर देखिए वी एम टू प्रोवाइड द बेस्ट क्लाइंट एंड डूइंग सो वी स्ट्रीव टू वर्क आर बेस्ट पोटेंशियल। यहाँ पर कंपनी अलग अलग तरीके की काम करती हुई दिखाई देती है। वी हैव कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड्स लीडिंग कंसल्टिंग जायंट रैम्बोल फॉर टेक्निकल डिजाइन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम टावर्स मोनोपोल्स पोल्स एंड स्मार्ट पोल्स। अलग यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये पोल्स है, अलग अलग तरीके के पोल्स बनाती हुई कंपनी यहाँ नजर आती है। देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी यहाँ पर मुझे अच्छी खासी नजर आती है। और भी बहुत कुछ जानने के लिए इनकी वेबसाइट पर जाइए, इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर लीजिए, सोलर पैनल वगैरह। तो यहाँ पर ये कंपनी आपको अच्छे खासे रिटर्न देती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में मार्केट कैप देख सकते हैं 664 करोड़। स्मॉल कैप भी नहीं कहूंगा, माइक्रो कैप कंपनी है, 664 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑलरेडी कंपनी ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी, रैली के बाद यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है वो इसकी फाइनेंशियल्स बता देंगे। यहाँ पर आरओसी आरओई देख लीजिए, 15 और 12 का आरओसी आरओई है। डेट की बात करें 81% का यहाँ पर डेट भी है कंपनी के ऊपर, यहाँ पर 81% का डेट है। 372 रुपए का इसने 52 वीक हाई लगाया था और अभी यहाँ पर 332 रुपए चल रहा है, लगभग 140 रुपए यहाँ पर शेयर नीचे आ चुका है ऑलरेडी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2017 में कंपनी आई थी, एक साइड बेस चली, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर, उसके बाद अच्छी खासी जंप और अभी यहाँ पर शेयर अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट, यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर के रिजल्ट दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 151 करोड़ की सेल्स थी। उसके बाद सेल्स यहाँ पर लगातार यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी, बट पैंडमिक के बाद यहाँ पर चीजें दोबारा अच्छी होती हुई दिखाई दी और अभी की जो सेल्स है तो वो हाईएस्ट एवर ही कह सकते हैं मार्च 2021 के बाद। यहाँ पर जुलाई की बात करें 133 करोड़ की सेल थी, अभी की बात करें 200 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर हाईएस्ट एवर, यहाँ पर पिछले यहाँ पर इस साल को छोड़ दे तो हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर प्रॉफिट है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेस जहाँ 7 करोड़ का था, अभी की डेट में 10 करोड़, और एक साल पहले जो 8 करोड़ का प्रॉफिट था वो 10 करोड़ का प्रॉफिट है। इवन इफ यहाँ पर देखेंगे इनकम, तो टोटल इनकम अगर यहाँ पर अदर इनकम देखेंगे 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ आती हुई दिखाई दी है, यहाँ पर नेगेटिव। स्टील कंपनी यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो कंपनी यहाँ पर काफी अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, 108 करोड़ से लेके 213, 292, 330, 310, 384,
यहाँ पर 400, 500, 600 और अभी की डेट में पिछले 12 महीने की बात करें तो 719 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है, तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले 12 महीने में सेल्स। नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर पिछले 12 महीने का नेट प्रॉफिट, और कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट देखिए यहाँ पर पैंडमिक की वजह से कम आया, उसके बाद दोबारा कंपनी ने यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस देना शुरू कराया है। एक कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ थी यहाँ तक, इसका पैंडमिक का असर है, और अब दोबारा देखिए जब चीजें अच्छी हो रही है तो दोबारा हाईएस्ट एवर ही प्रॉफिट आ रहा है। तो कंपनी अच्छी खासे तरीके से यहाँ पर अपने आपको दिखा रही है कि कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आ रहे हैं क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरिंग की बात करें, कंपनी की बोरिंग भी उसी तरीके से बढ़ रही है। कंपनी शायद अपने आपको और ज्यादा, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटी जिसका मार्केट कैप ही 600 करोड़ के आसपास का है, वो अपने आपको यहाँ पर और बड़ा बनाने के लिए लोन लेगी, और जब लोन लेगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वही इंटरेस्ट यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास पे कर रही है। अगर ये 20 करोड़ नहीं पे कर रही होती तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो प्रॉफिट 20 करोड़ और बढ़ जाता तो चीजें और ज्यादा अच्छी हो जाती, बट कोई इशू नहीं है। चीजें यहाँ पर लोन लिया जाता है, लोन के बेसिस पे ही काम किया जाता है, बिजनेसमैन पे लोन पर ही काम करते हैं। यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का है। कैश की बात करें, कंपनी के पास यहाँ पर 3 करोड़ का कैश है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, तो यहाँ पर नेगेटिव है इस बार का। यहाँ पर आरओसी की बात करें, 15% का आरओसी है जो कि ठीक ठाक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.7% है, एज इट इज बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करें एफआईएस की होल्डिंग कुछ नहीं है, डीआईएस यहाँ पर कुछ होल्ड नहीं रखते। पब्लिक की बात करें, पब्लिक 30% की हिस्सेदारी है, बट 30 में भी देखेंगे तो ये बड़े बड़े नाम यहाँ पर नजर आते हैं, लगभग 10% की हिस्सेदारी या मोर देन 10-12-13% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल 18% की, अलग बात करें रिटेल इन्वेस्टर और बड़े बड़े लोगों के पास 18% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो अच्छे हाथों में सब कुछ यहाँ नजर आता है। एफआईएसडीआईएस है नहीं, एफआईएसडीआईएस एक बार जब कंपनी बड़ी होती जाती है ना तब वो आना यहाँ पर पसंद करते हैं, बट यहाँ पर जब कंपनी फाइनेंशियली हमें दिखाई दे रही है, क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे नंबर आ रहे हैं, ईयरली बेसिस पे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जब गिरावट हो चुकी है तो यहाँ पर इस शेयर को अब चूज करना, बाय ऑन डिप्स करना एक बेहतरीन रणनीति रहेगी। तो यहाँ पर देखे तो यहाँ पर 2-3 दिन से एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है चीजें, इसके बाद कब ऊपर निकल जाएगी हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर गिरावट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट भी हो सकती है, कितने परसेंट की, 5-6% ये शेयर यहाँ पर करेक्ट भी हो सकता है, और ये इस लेवल पर आ सकता है 213, मतलब 20 रुपए की गिरावट हो सकती है, और 20 रुपए मतलब रिस्क बिल्कुल कम है। रिवॉर्ड की बात करें तो अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पर 61% का रिवॉर्ड यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शेयर ऑलरेडी यहाँ पर 37% करेक्ट हो चुका है, तो 37% शेयर यहाँ पर गिर चुका है, 61% का यहाँ पर हमें अपसाइड दिखाई दे रहा है। आरएसआई 31% का दिखा रही है, ओवरसोल्ड यहाँ पर पोजिशन में दिखा रहा है, तो यहाँ पर सब चीज अच्छी खासी नजर आ रही है चीजें। इसी तरीके से अब राउंडिंग बना के शायद यहाँ पर थोड़े बहुत टाइम में यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आएगी, और ये 61% के रिटर्न यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाते हुए नजर आएंगे, और 61% के रिटर्न अगर आपको एक साल के अंदर अंदर भी मिल गए ना तो 60% की सीएजीआर होती है, 60% की सीएजीआर के पीछे नहीं आता, 40% की सीएजीआर के पीछे भागते हैं कि 40% के हमें रिटर्न मिल जाए, मोर देन इनफ रहते हैं। मेरी यहाँ पर पोजीशन ऑलरेडी बना ली है, ओके 2-3 दिन पहले ही, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर देख सकते हैं। चीजें मुझे अच्छी है नजर आती है, तो यहाँ पर अच्छी चीजें यहाँ पर इसी लेवल पर लेंगे तभी हमारा, नीचे लेवल पर लेंगे तब हम प्रॉफिट होगा, ऊपर लेवल पे तो यहाँ पर देखिए लोगों ने लिया होगा तो यहाँ पर फंसे ही होंगे। और मैं इस शेयर को यहाँ पर से भी ट्रैक कर रहा हूँ, और इस शेयर को मैंने अब यहाँ पर बाइंग की पोजिशन बनाई है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे, जितना हो सके हमें सपोर्ट करे, हमसे कॉन्टेक्ट करना है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना, इसी तरीके से शेयर करिए तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करिए, कोई क्वेरीज है तो लाइक करिए, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।